दोस्तों, आज हम ऐसी बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही विपरीत है। अभी तक आपने ऐसी बुक तो सुनी होगी जो हमेशा सफलता की बातें करती है, लेकिन अभी जो बुक का रिव्यू हम करेंगे वो ऐसी बुक है, उसका टाइटल भी विपरीत ही है, यानी कि डेयर टू फेल। डेयर टू फेल का मतलब होता है साहस विफलता का। क्या आप में ताकत है विफल होने की? क्या आप में फेल होने की ताकत है? यही इस बुक का रिव्यू है। इसमें लेखक कहते हैं, खतरा मोल लेना तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक अभिन्न अंग है। यहाँ किसी भी बात की गारंटी होती नहीं है। एक अच्छे बिजनेसमैन में विफलता का साहस होना चाहिए। वह जितनी अधिक महत्वाकांक्षी होगा उसे उतना ही अधिक विरोधों का सामना करना पड़ेगा, और जब उसे सफलता मिलती है तो सामाजिक प्रशंसा उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है, और जब वह विफल होता है या बिजनेस में उसे लॉस होता है या वो गिर जाता है तो उसे कई सैकड़ों हजारों विरोधों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक विरोध, उपहास या कई तरह की उसे बातें झेलना पड़ती है। उसके बावजूद भी वो रुकता नहीं। वो अपने लक्ष्य के प्रति इतना गंभीर होता है और वो आगे बढ़ता है। और सदैव वो सफलता उसके आसपास ही होती है और उसके कदम चूमती है। यही इस बुक के अंदर बताया गया है। ये बुक मलेशिया के एक राइटर लिम बिली पीएस ने लिखी है, जो कि एक मलेशिया शहर से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है, दुर्भाग्यशाली वे नहीं जिन्होंने प्रयास किया और वे विफल हो गए, दुर्भाग्यशाली तो वे हैं जो प्रयास ही न कर सके। सीढ़ी का कोई भी पायदान आराम करने के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि यह ऊपर जाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम मात्र होता है। इस बुक में लेखक ने पूरी हिस्ट्री, अपने जीवन की पूरी सारी घटनाओं को इस किताब के अंदर दिया है। बचपन से लगा के बिजनेस करने तक के सारे तरीके उन्होंने इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं। वो कहते हैं, उनका जन्म 1950 में हुआ और उनके परिवार में कम से कम 14 लोग थे, जो कि पिता की कमाई के ऊपर पूरा काम चलता था। एक मध्यम वर्ग और एक गरीब परिवार में वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। शाम को दुकान पर बचा हुआ भोजन मांस उनके दैनिक जीवन का खाना था, और पिता का मानना था कि बच्चों के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। एक दिन उन्होंने बताया, बचपन में मेरी सौतेली माँ हमेशा मेरे सिर पर मारा करती थी, और शायद तभी से उन्हें ऐसा लगा था कि वे सबसे ज़्यादा होशियार हैं। एक बार उन्होंने मेरी बड़ी बहन को इतना अधिक पीटा कि उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसी से आप मेरे पिता की क्रूरता और क्रोध का अनुमान लगा सकते हैं। एक और ऐसी घटना लेखक कहते मुझे याद आती है। एक रोज जब मेरी स्कूल बस समय पर से पूर्व ही मेरे लेने आ पहुंची, तब तैयार न होने के जुर्म में मुझे मार तो खानी ही पड़ी। साथ ही मेरे पिता ने मेरी कमीज में भी आग लगा दी। मेरी माँ इतनी सीधी सादी महिला थी जिसकी कामना शायद प्रत्येक पुरुष अपने जीवन संगिनी के रूप में जरूर ही करता होगा, लेकिन इतने क्रूर व्यवहार के बाद भी वह पूरे तन मन से अपने पति और सास ससुर की सेवा किया करती थी। एक बार मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे पिता ने उसे शादी के बाद मात्र 3 दिन तक ही प्यार किया। मैं आज तक यह पता नहीं लगा पाया हूँ कि फिर भी हम 14 भाई बहनों का जन्म हो कैसे गया। पूरे परिवार मोहल्ले में मैं ही अकेला स्कूल जाया करता था। प्राइमरी को हमारे एक शिक्षक हमें पढ़ाने से मारना अधिक पसंद करते थे। मैं और मेरी छोटी गलती पर मुझे कुर्सी पर खड़ा होने के साथ साथ मुझे मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। घर और स्कूल दोनों में ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अपने जीवन को जीता था। मैं घर से बचने के लिए अपने दोस्तों के साथ मैं इधर उधर
आवारा की तरह घूमता फिरता रहता था, लेकिन वो मेरे जीवन का बहुत ही कठिन दौर था। एक फुटबॉल टीम की स्थापना हुई पोस्टिस नाम की। इसी नाम से भविष्य में एक कंपनी की स्थापना करना मेरा सपना बन गया था। मैं विकट परिस्थितियों में पैदा हुआ। मेरे भाई बहनों को बचपन पर लगे काले दाग उनके भविष्य को प्रभावित नहीं करेंगे, यह कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। हम यह सब हो सकता है या हो रहा होगा, हो सकता है आपके साथ भी इसी तरह से बुरी घटनाएं घटित हो जिसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्यों? इस सवाल के जवाब की तलाश में कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और कुछ मार्ग में ही भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, इस किताब के आगे का रिव्यू मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, और इस किताब को ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल बुक है और इससे एक छोटे से बिजनेसमैन की ज़िंदगी का के बारे में पूरा बताया गया है। आपको ये बुक पसंद आए इसके अगले पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएँ।